प्रदेश के जिला मुरादाबाद दिल्ली हाईवे 24 पर पिछले 5 साल से बन रहे इकलौते पुल के लिए जल्दी से बनने के लिए मुरादाबाद वासियों ने अनोखा तरीका अपनाया है। जी हां, आज लोगों ने अर्ध निर्मित पुल पर ईश्वर अल्लाह से दुआएं करते हुए कुरान खाने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुरादाबाद शहर को जोड़ने वाले हाईवे 24 पर बन रहे लोकेशेट पुल के एक हिस्से पर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की जा रही कुरान खाने के आयोजन ने आम शहर वासियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर अब इस पुल को ईश्वर अल्लाह ही बना सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में केंद्र और प्रदेश की सरकारें तो इस समय से बना नहीं पाई, या ये कहें कि रेलवे और मुरादाबाद प्रशासन के अधिकारियों ने इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। लेकिन मुरादाबाद के आम शहरी ने अब भगवान से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, आप जल्दी से पुल का निर्माण कर आम लोगों को सुविधा मुहैया करवा सके। सर, किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज से लगभग 20-25 साल पहले, जब ये लोकोशेड का पुल जो कि अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, इसकी जरूरत पड़ी थी मरम्मत की, तो हम लोगों ने मुरादाबाद नागरिक समाज के माध्यम से ये उठाया था कि इस पुल को चौड़ा कर दिया जाए, जिसकी विड्थ अभी 6 फीट है, जिससे सारा ट्रैफिक निकल रहा है और लगभग 3.5-4 लाख लोग रोजाना लाइन पार के इस पार से उस पार जाते हैं, शहर जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। लेकिन उस समय के प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेंगी और उन्होंने उसी पुल को मरम्मत करके खड़ा कर दिया, और उसकी हालत यह है कि आज रोज़ जाम लग रहे हैं और यहाँ पर रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं, और आज प्रशासन को इसे ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करना पड़ा क्योंकि यहाँ इतनी मौतें हो चुकी हैं। अब हमारी सन 2012 से जब रेलवे ने इसे मना कर दिया कि ये पुल यहाँ पर फिजिबल नहीं है, नहीं बन सकता, इसकी रिपोर्ट दे दी, तब हम लोगों ने मुरादाबाद नागरिक समाज के माध्यम से प्रयास किया और यहाँ के जो सीनियर मोस्ट आर्किटेक्ट हैं वाईपी गुप्ता साहब, उनकी टीम ने मिलकर यहाँ की एक ड्राइंग तैयार की, और वो ड्राइंग फिर जब भेजी गई, अखिलेश जी ने उसको अपने हाथ में लिया और उन्होंने इस मैटर का फिर उसका यहाँ से टेंडर वगैरह पास हुए। 2014 से निरंतर कार्य चल रहा है, लेकिन ये लोग नलायकी इतनी कर रहे हैं कि ये काम ही नहीं करके दे रहे हैं। इस बार अभी GM उत्तर रेलवे जब आए थे परसों, तो उन लोगों से उनसे हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया है कि जनवरी में बाई आल मीन्स ये पुल हम बना के देंगे, और उसका ये मतलब असर पड़ा कि जो गार्डर नहीं आ रहे थे पिछले 6 महीने से, हमें कहते थे साहब ऑर्डर दिया हुआ है, सेल को दिया हुआ है, हमने टाटा स्टील को दिया हुआ है, वो गार्डर यहाँ आ गए हैं, आज के अखबारों में भी दिया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले हवन यज्ञ और प्रार्थना की, उसके बाद उस पार इसी पुल के दूसरे पार हम लोगों ने गुरुवाणी का कीर्तन कराया, अरदास कराई, और जो लोग इसमें शहीद हो गए या मृत हो गए एक्सीडेंट्स में, उनकी मगफरत के लिए, उनकी आत्मकल्याणता के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की, और आज यहाँ पर कुरान खानी के माध्यम से फिर एक दुआ की जाएगी और कुरान का यहाँ पाठ किया जाएगा। हमारे काफ़ी लोग आते जा रहे हैं, थोड़ी सी देर में यहाँ पर सब लोग दिखाई देंगे, और उसके बाद में यहाँ से एक संदेश और जाएगा, क्योंकि ये शहर प्यार मोहब्बत भाईचारे का गहवारा है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते चले आए हैं, तो हमारी कोशिश है कि हर नागरिक की बात अपने अपने धर्म के मुताबिक भी वो अल्लाह ताला खुदा परमेश्वर ईश्वर अंतर्यामी वाहेगुरु जब करे, ताकि इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और जो लोगों के जाने जा रही हैं वो जाने ना जाएं, जल्दी से जल्दी ये पुल हमारा बन के तैयार हो जाए। और ये वो रोड है जो मुरादाबाद को राजधानी से जोड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 24 पर ये स्थित था, लेकिन इसमें इतनी हीरा वाली हो रही, अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आई है, तो आज हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे कुरान पानी के माध्यम से और दुआ के माध्यम से ये प्रार्थना करेंगे कि भाई ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।